हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, जो भस्म यज्ञ करने के बाद जो भस्म बचती है ना, उस भस्म को भी थोड़ा खरल करके, कपड़े से छान करके, यदि उसकी छोटी सी पोटली बना करके पानी में डाल दीजिए, वैसे ही थोड़ी सी भस्म डाल करके उसको हिला दें, तो वो पानी भी अल्कलाइन हो जाता है। और हमारे शरीर के अंदर 70% से अधिक पानी और मस्तिष्क में 80% से अधिक पानी होता है, और उस अल्कलाइन वाटर को हम पीते हैं तो हमारा पूरा शरीर अल्कलाइन हो जाता है और उसके कारण कोई रोग होता ही नहीं। आज खाली अल्कलाइन वाटर बनाने के लिए 3-3.5 लाख रुपए की मशीन आती है, कितने की, और आप इस यज्ञ को करते हो उसकी एक चुटकी भर भस्म ग्लास में डाल दो तब भी वो अल्कलाइन हो जाता है, जो 3.5 लाख रुपए की मशीन करके देती है वैसे ही करते। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इनके इसके अंदर जो हमारे शरीर को खनिजों की आवश्यकता, कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे खनिज तत्व भी इसके अंदर होते हैं यज्ञ की भस्म के अंदर। और उस पानी को पीने से ये खनिज तत्वों की कमी, एलर्जी से लेकर के पूरी बॉडी का अल्कलाइन होना, ये सब संपन्न होते हैं। तो कहने का अभिप्राय था कि जो हम वायु के अंदर श्वास लेते हैं उसमें 2 प्रकार के कण होते हैं, धन आवेशित और ऋण आवेशित कण। और धन आवेशित कण प्राधान्य वायुमंडल में रहने पर विशेष रूप से हमें स्वास्थ्य की हानि होती है, और ऋण आवेशित कण प्राधान्य वायुमंडल में रहने से हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है। और जिस स्थान पर प्रतिदिन यज्ञ हवन अग्निहोत्र होता है, उस स्थान पर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते। कितने? 200 से 400। ये इतनी मात्रा होती है जो घना जंगल हो और वहां पर जितने पार्टिकल ऋण आवेशित पाए जाते हैं, इतना हम इतना छोटा सा यज्ञ करके हम अपने घर के अंदर निर्मित कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है कि हम जंगल जैसा वायुमंडल शहर में रहते हुए अपने घर के अंदर हम निर्मित कर सकते हैं। तो ये जो यज्ञ हम करते हैं, हवन हम करते हैं, अग्निहोत्र हम करते हैं, वो सामान्य विधा और विद्या नहीं है, ये एक संपूर्ण केमिस्ट्री है, ये एक नैनो टेक्नोलॉजी है, ये एक वर्तमान जीवन शैली को सरल करने का एक सबसे बड़ा उपाय और तरीका है। कितने सारे लाभ, हम ये भौतिक लाभों को देख रहे हैं, कितने सारे लाभ। और इतना ही नहीं, ये एक विशुद्ध चिकित्सा पद्धति है। यज्ञ के अंदर अलग अलग जड़ी बूटियों को जलाते हैं, जैसे मैंने एक तो आपको नैनो पार्टिकल का बताया, नैनो पार्टिकल ताकतवर होने के साथ साथ विभिन्न फाइटोकेमिकल्स, जैसे हम आयुर्वेद आदि ग्रंथों को देखें तो आयुर्वेद आदि ग्रंथों में विशेष करके 3 प्रकार की चिकित्सा बताई। कितनी प्रकार की? एक होती है मानुषी चिकित्सा, एक होती है आसुरी चिकित्सा, और एक होती है देवी चिकित्सा। जैसे आसव, अरिष्ट, वटी, चूर्ण, ये सारी चीज लेते हैं, वो मानुषी चिकित्सा के अंतर्गत आता है। दूसरा चीरफाड़, ऑपरेशन आदि जो हम करते हैं, वो सारी आसुरी चिकित्साएं कही जाती है। और हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र, इसको देवीय चिकित्सा का। और विशेष रूप से जब मानुषी चिकित्सा और आसुरी चिकित्सा से भी जो रोग ठीक नहीं होते हैं, उन रोगों के उपचार के लिए कहा कि वेद विहित यज्ञों का हम अनुष्ठान करें और देवीय चिकित्सा का सहारा लेकर के उन रोगों से भी हम मुक्ति पा सकते हैं। आयुर्वेद के अंदर विशेष रूप से बताएं, और आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम् यस्य रोगस्य भेषजम् तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम् तेन तेनैव होमेन। आयुर्वेद ग्रंथों में बताएं कि जिन रोगों के समन के लिए जिन जिन औषधियों का हम सेवन करते हैं, उन्हीं से हवन करने पर हमारे वह रोग ठीक होते हैं। और अथर्ववेद में विशेष रूप से बताएं, यदि क्षितायुर यदि वापरे तो यदि मृत्योरंतिकम नितेव तम हरामि अस्पार्श्वमेनम सतसाम। यदि क्षितायु, यदि उनकी आयु क्षीण हो चुकी है, धातु ये क्षीण हो चुकी है, प्राण क्षीण हो चुके हैं, यदि मृत्योरंतिकम, तो मृत्यु के अंतिम क्षण में पहुंच चुका है, तम हरामि, उसको भी मैं उस रोग की अवस्था से बाहर लाता हूं। और सत साल आए 100 शरद ऋतु, मानी 100 साल तक की उनको ऊर्जा शक्ति के साथ आयु को प्रदान करता हूं यज्ञ के माध्यम से। यज्ञ चिकित्सा के विषय में अथर्ववेद ने भी विशेष रूप से बताया।
और ये जो शास्त्रों में विधान है उसी के आधार पे हमें कुछ विशेष विशेष रोगानुसार जड़ी बूटियां लेकर के, जो मैंने आपको अभी बताया GCMS MS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये एक गैस को एनालाइज करने की बहुत विशेष आधुनिक एक तकनीक होती है। उसके माध्यम से हमने अलग अलग जड़ी बूटियों से हवन किया, हवन करने पर जो धूम्र उठता है उस धूम्र को एनालाइज करके देखा, तो आपको जानकर क्या है, जैसे हमें सामान्य रूप से जैसे घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस, सूजन आदि इस प्रकार के दर्द होते हैं तो डॉक्टर हमें क्या दवाई देते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयां देते हैं। इसी प्रकार का इंफेक्शन, सूजन आदि, इंफेक्शन आदि हो गया है तो एंटी माइक्रोबाइल दवाइयां देते हैं, कैंसर आदि हो गया तो एंटी कैंसर आदि दवाइयां देते हैं। मानी जिन रोगों को मॉडर्न मेडिकल साइंस में ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स होते हैं उस बीमारी को ट्रीट करने वाले, वो मल्टीपल परमिसिबल लिमिट के अंदर अवेलेबल फॉर्म में गैस रूप में एक साथ हमें यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ये बहुत बड़ी और विशेष बात, ये जो आपके सामने अलग अलग जड़ी बूटियां रखी है, ये रोगानुसार अलग अलग जड़ी बूटियां, आज तक हमने जो दवाइयां खाते हैं उसका साइंटिफिक वैलिडेशन देखा है कि जो दवाइयां खाते हैं, ये पहली बार पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक कार्य हुआ है कि जो हम हवन करते हैं वो हवन भी एक विशुद्ध चिकित्सा पद्धति है, एक विशुद्ध केमिस्ट्री है और उसके अंदर अलग अलग फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो हमारी बीमारी को ट्रीट करते हैं और उस वैलिडेशन के आधार पर अलग अलग जड़ी बूटियां सामग्रियां तैयार की गई कि हम हवन करते हैं तो उससे वो कंपोनेंट्स गैस फॉर्म में वायु में आ जाते हैं और वायु में हम श्वसन 24 घंटा करते हैं, 24 घंटे हम श्वास लेते हैं। देखिए हम एनर्जी ऊर्जा शक्ति ताकत से चलते हैं ना, हमारे जीवन चलाने के लिए हमें ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, वो ताकत शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, आहार लेते हैं और वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं, तीन रूपों में, कितने रूपों में लेते हैं, तीन रूपों में हम आहार लेते हैं जिससे हम एनर्जी ऊर्जा शक्ति प्राप्त करते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और इस तीन रूपों में ही ये धरती पर पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस, और इन तीनों रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में हम रोटी दाल चावल आदि हम लेते हैं, द्रव रूप में हम पानी दूध जूस आदि हम लेते हैं और गैस रूप में वायु हम लेते हैं। ये तीन रूपों में जो हम 24 घंटे में आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन सा आहार लेते हैं, भोजन कितनी बार लेते हैं, दो बार, तीन बार, ठोस रूप आहार, द्रव रूप आहार, 5, 10, 15 बार, ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा, लेकिन गैस रूप आहार वायु एनी टाइम, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, यहां तक कि रात को हम सो जाते हैं तब भी हर एक सेकेंड वायु रूप आहार को हम लेते हैं। 24 घंटे में सबसे ज्यादा हम कोई आहार लेते हैं तो वो वायु रूप आहार लेते हैं। और इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा ही नहीं, सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण आहार भी हमारा कोई होता है तो वो भी वायु रूप आहार होता है। हम रोटी दाल चावल आदि ठोस रूप आहार को छोड़ दे तब भी हम 2-3 महीने जीवित रह सकते हैं। हम पानी दूध जूस आदि द्रव रूप आहार छोड़ दें तब भी हम 2-3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं, लेकिन हम वायु रूप आहार को छोड़ दे तो 2-3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भी हमारा कोई आहार होता है तो क्या होता है, हमारा ही नहीं जीव मात्र का, वो वायु होता है। क्या होता है, अब हम सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत करते हैं किस भोजन के लिए, जो सबसे कम होगा, और इस वायु के लिए जो सबसे ज्यादा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना हम 2 मिनट से भी ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते हैं, उस वायु के लिए हम 24 घंटे में क्या करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। और उस वायु का शोधन करना, उस वायु का पोषण करना, उस वायु को मेडिकेटेड बनाना, उस वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो वो यज्ञ है, हवन है, अग्नि होता है। बहुत सारे लोग यज्ञ हवन अग्निहोत्र को मत पंथ संप्रदायों में बांटते हैं, ये हिंदुओं का विषय है, ये ब्राह्मणों का विषय है, ये पंडितों का पुजारियों का विषय है, ये मानव मात्र के लिए है, ना कोई संप्रदाय है, चाहे कोई भी जाति मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो
चाहे बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी देश में रहने वाला व्यक्ति हो, हम सब समान रूप से इन सारी चीजों का प्रयोग लेते ही नहीं लेते, समान रूप से इन सारी चीजों से प्रभावित होते ही नहीं होते। हम जो वायु ले रहे हैं सब समान रूप से एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही जल का हम पान करते हैं, एक ही धरती पर हम विचरण करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे हम बसते हैं। हम समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते ही नहीं लेते। और जो मैंने रेडिएशन की बात बताई, वायु प्रदूषण की बात बताई, बैक्टीरिया वायरस फंगस आदि से बचने की बात बताई, इन सारी चीजों से चाहे कोई भी व्यक्ति हो इनसे प्रभावित होता ही नहीं होता है। कोई साधक है आध्यात्मिक रूप से वो करता है, क्या उनको कोरोना नहीं लगेगा? क्या कोई भी ऐसा बैक्टीरिया वायरस फंगस नहीं लगेगा? क्या वो श्वास नहीं ले रहा है? वो भी इस वायु में श्वास ले रहा है। मानी चाहे आध्यात्मिक रूप से देखे, चाहे भौतिक रूप से देखे, किसी भी रूप में आप देख लो, हम सब समान रूप से इन सारी चीजों का प्रयोग लेते हैं और इन सारी चीजों से हम प्रभावित भी होते हैं। और इस को व्यवस्थित करने का, पोषित करने का, सुरक्षित करने का एक सबसे बड़ा माध्यम है यज्ञ हवन अग्निहोत्र। एक कोई मत पंथ संप्रदाय नहीं, अभी तो यज्ञ एक हमारी वर्तमान जीवन शैली को सरल, आसान, बीमारियां, प्रदूषण, रेडिएशन, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से लेकर के जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उन समस्याओं से हमें बचाता है, हमारे जीवन को सरल बनाता है, हमारे जीवन को आसान बनाता है, हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं, बीमारियां, उनसे हमें निजात और मुक्ति देता है। तो मैं आपको बता रहा था कि यज्ञ एक विशुद्ध चिकित्सा पद्धति है। और मैंने आपके सामने बताया कि जो हवन करते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग जड़ी बूटियों को डालने पर अलग अलग फाइटोकेमिकल्स गैस फॉर्म में वायु में आ जाते हैं, और उस वायु में हम 24 घंटा श्वास लेते हैं, और उस श्वसन प्रणाली के माध्यम से वो जो गैस रूप में आए हुए फाइटोकेमिकल हैं वो श्वसन के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाते हैं, और जो दुसाध्य असाध्य कोटि के रोग होते हैं वो रोग भी इससे ठीक हो जाते हैं। जैसे अथर्ववेद में कहा, यदि क्षितायु यदि वापर है तो यदि मृत्यु और अंतिम मृत्यु के अंतिम क्षणों में पहुंचा हो उसको भी वो यज्ञ बाहर लेकर के आता है। मैं आपको कुछ घटनाएं सुनाना चाहता हूं। हमारे एक आपके गुजरात में ही कच्छ में भुज में एक आनंद नाम का भाई, छोटा सा बालक, उनको मस्कुलर डिस्ट्रोफी न्यूरॉन से संबंधित एक बीमारी होती है, उसका पूरे वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं। इसको कहते हैं कि एक बार बीमारी हो गई तो अब उसका जीवन समाप्त, उसका कोई इलाज ही नहीं है। और उसको एमडी इसको कहते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, वो होने के बाद उन्होंने कई साल अलग अलग ट्रीटमेंट, अलग अलग दवाइयां, अलग अलग चीजें की, सब ने लास्ट में डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया कि अब इसका कुछ नहीं होता है, जितने दिन जीते हैं उतने दिन आप सेवा कर लिए, और बहुत ज्यादा तो 2-4 साल जीते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, हर चीज हर अंग गलता जाता है और काम करना छोड़ देता है। तो एमडी और एमएनडी मस्कुलर डिस्ट्रोफी और ये 2-3 बीमारी जो हमारे न्यूरॉन से संबंधित होती है वो ऐसी ही बीमारियां होती हैं जिसका कोई उपचार नहीं, और धीरे धीरे हमारा पूरा शरीर गलता हुआ, वो व्यक्ति मौत को प्राप्त कर लेता। अब उनकी भी अवस्था आ गई और डॉक्टर लोगों ने भी फिर बाद में छोड़ दिया, और दवाई लेते हुए भी धीरे 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 उनकी तबियत इतनी खराब हो गई कि वो बिल्कुल बेड के ऊपर आ गए, और 4 साल ऐसे उन्होंने बिताए कि अपने सारे नित्य कर्म भी उनके बेड के ऊपर होते थे। कभी उनको बिठाना भी हो तो पास में खुद चेयर रखते तो 2 लोग उठा करके बेड से चेयर के ऊपर बिठाते थे। ऐसी अवस्था में 4 साल से बेड के ऊपर थे, और उसके बाद हमने यज्ञ चिकित्सा सेंटर वहां पे भुज में चालू किया, तो उसका उद्घाटन हुआ, तो उसकी सूचना उनको मिली तो वो वहां पर आए, तो हमने कहा कि कोई नहीं, वो श्वास तो ले रहे हैं ना, आप उनके कमरे में इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को प्रतिदिन करना प्रारंभ कीजिए, आपको विशेष लाभ होगा। और उन्होंने करना प्रारंभ किया पूरी श्रद्धा भाव के साथ, 5-7 दिन किया तो वो बेटा जो खड़ा नहीं हो पा रहा वो हर रोज बैठ करके यज्ञ करने लग गया, और 3.5 महीने लगातार ये प्रक्रिया चलती रही। 3.5 महीने में वो क्रिकेट खेलने जाता, लोग उनको देखने आते थे, अच्छा ये क्रिकेट खेलने जाने लगा। ये जो बड़ी बीमारी कही जाती है जिसमें अब कोई उपचार ही नहीं है, उस बीमारी की मैं बात करूं। ऐसे ही हमारी आदरणीय बहन वनीता बहन बेंगलुरु में रहती है, उनको सुबह में नाश्ता कुछ कर रही थी, और नाश्ता करते हुए अचानक से ही कुछ आज का सा या जो भी हुआ, गला एकदम से चोक हो गया,
अब वो ना कुछ भी निगल पा रही है, ना कुछ बोल पा रही है, ना कुछ पी पा रही, एकदम से बंद। उसके बाद उनको तुरंत हॉस्पिटल में ले गए, वहां MRI, सीटी स्कैन, अलग अलग चीजें की। उसके बाद और दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, वहां पर भी कई सारी रिपोर्ट गए, मानी चार हॉस्पिटल में ले गए और सारी रिपोर्ट आदि कई बार दोहरा ली, सब कुछ कर लिया, कोई डिफाइन ही ना हो कि रोग क्या है, और जो भी दवाइयां आदि दे उससे भी कोई असर ना हो, उसका साइड इफेक्ट प्रभाव। अब इसी बुरी अवस्था में फिर उस बेंगलोर के जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल थे वो सबको वो देख चुके। उसके बाद उनके भाई रहते हैं मुंबई में, उनको मुंबई ट्रांसफर किया, मुंबई लेकर के गए, वहां पर 6 बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, फिर से MRI, सीटी स्कैन, दो दो तीन तीन बार अलग अलग जो भी रिपोर्ट, सब कुछ ना आए, और ना वो खा पाए ना पी पाए। इसी अवस्था में वो 1 महीने से ज्यादा समय बीत गया और 12 किलो से ज्यादा वजन उनका कम हुआ। और उस समय अब डॉक्टर लोग भी कुछ ना कर पाए, ना रिपोर्ट में भी कुछ आया, करे क्या। उस समय उनके भाई के घर पे प्रतिदिन यज्ञ होता है, उनको वहां पर रखा और प्रतिदिन विशेष रूप से गायत्री मंत्र से देव यज्ञ करने के बाद 108 आहुतियां देकर के विशेष रूप से यज्ञ कराया, और उसके बाद वहीं बैठ करके उनको अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, जो कर सकती है ओम का उच्चारण आदि करने का प्रयास करने लगा। बोल तो नहीं पा रहे लेकिन ऐसे ओम का उच्चारण करने का प्रयास करने लगा। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो 1 महीने से ज्यादा समय और 12 हॉस्पिटल इतनी देर में और कई लाख रुपए लगाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, उनके जहां पर प्रतिदिन यज्ञ होता है वहां यज्ञ में उनको बिठाया, यज्ञ कराया और उसी में उनको रखा, केवल 1 सप्ताह के अंदर उनकी आवाज आ गई और खाना चालू हो गया। कितने दिन? 1 सप्ताह के अंदर। और ऐसे कितने सारे हमारी आदरणीय बहन है शिल्पा जी, मुंबई घाट कोपर में सामान्य रूप से लंग फाइब्रोसिस होता है, क्या कहते हैं कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, मॉडर्न मेडिकल साइंस में लंग फाइब्रोसिस होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं। पहले उनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, धीरे धीरे क्रॉनिक अस्थमा की प्रॉब्लम है, मानी इतनी खतरनाक अवस्था होती है क्रॉनिक अवस्था कि कभी भी अस्थमा का अटैक आ सकता है और जीवन पूरा जा सकता है, और लंग फाइब्रोसिस भी उसके साथ क्रिएट हो गया, मानी क्रॉनिक अस्थमा और लंग फाइब्रोसिस एक साथ, मानी लंग्स की कैपेसिटी उनकी बिल्कुल खत्म हो गई और उनकी श्वास बिल्कुल छोटी सी श्वास हो गई, जरा सी श्वास लेती है छोड़ती हैं, और अपने नित्य कर्म वो स्वयं नहीं कर पाती, इतनी बुरी अवस्था में आ गई। और इस अवस्था में आने के बाद जो मतलब इससे पहले उन्होंने खूब ट्रीटमेंट लिए, खूब अलग अलग उपचार करने का प्रयास किया, कोई डिफाइन नहीं हुआ और कोई राहत भी नहीं हुई, और धीरे धीरे स्थिति बिगड़ गई, अब लास्ट अवस्था में आ गए थे। उस समय उनको यही यज्ञ चिकित्सा अपनाने के लिए कहा, हवन करने के लिए, और जो श्वसन संबंधित विशेष जड़ी बूटियां हैं उससे हवन करने का लिए कहा, और हवन के बाद भीमसेनी, कपूर, गुगुल आदि कुछ विशेष द्रव्यों को अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी करके और उसमें रख। आप यह जाना होगा कि जिनको अस्थमा की सामान्य भी प्रॉब्लम हो तो उसको धुएं में जाए तो क्या होता है, तुरंत अटैक आ जाता है, और उनको यज्ञ का धूम्र, पहले तो उनके पति को बहुत ज्यादा वो हो गया, ये तो घर में जो रोटी पकाते हैं उसकी स्माइल कितनी होती है गैस के ऊपर पकाते हैं, उसको भी वो सहन नहीं कर पाते थे। बाद में वो जब यज्ञ करने लग गए तो यज्ञ करने पर धीरे 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 15 दिन के अंदर उनकी लंबी गहरी श्वास भरने लग गई, और 3.5 महीने तक लगातार उन्होंने यज्ञ और ये सारी चीज अभी भी कर रहे हैं, लेकिन 3.5 महीने के बाद उन्होंने रिपोर्ट निकलवाई, लंग फाइब्रोसिस की रिपोर्ट क्योर हो गई, क्रॉनिक अस्थमा और लंग फाइब्रोसिस। और आयुर्वेद के जितने भी ग्रंथ है आप देखेंगे तो सब जगह पर श्वसन संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है उनसे बचाव या फिर हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए यज्ञ चिकित्सा और औषधीय द्रव्यों को जला करके उसका धूम्र करके लेने के बाद। और ऐसे कितने कितने गंभीर केस, चाहे कैंसर के हैं, कोमा के हैं, और भी अलग अलग आप देखना चाहें, मैं 2-3 उदाहरण केवल आपकी पहचान के लिए बताया कि जो चिकित्सा हम मॉडर्न मेडिकल साइंस कहते हैं, एलोपैथी कहते हैं, जिसको हम बहुत आगे बढ़ा हुआ कहते हैं, उसमें भी जिन लोगों का उपचार नहीं हो पाया, उन लोगों को जो चिकित्सा दी और उन्होंने नव जी पाया, उसका मैंने 2-3 उदाहरण, और ऐसे सैकड़ों सैकड़ों हैं। आप स्वामी यज्ञदेव करके यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर यज्ञ प्रशिक्षण करके एक प्लेलिस्ट है, यज्ञ चिकित्सा अनुभव करके प्लेलिस्ट है, उसके ऊपर जाकर के आप देखेंगे तो आपको ऐसे सैकड़ों सैकड़ों ऐसे जो गंभीर अवस्था में, जब बिल्कुल मतलब आप ऐसे कह देते कि आप कुछ दिन के मेहमान, एक हमारी हीरा बहन
यहाँ कच्छ गुजरात की बहन माता जी, और उनको 4 बार हार्ट अटैक आया, और चौथी बार जब हार्ट अटैक आया तो 3 महीने आईसीयू में भर्ती रही हॉस्पिटल में। उसके बाद डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब ये 10-15 दिन जिएगी, आप इसको घर पे ले जाइए, जितनी सेवा हो सकती है उतनी सेवा कर लीजिए, और ऑक्सीजन 24 घंटे 3 महीने से लगातार ऑक्सीजन के ऊपर ही थी। उस अवस्था में उसको घर पे ट्रांसफर कर दिया बोतल के साथ, वो 24 घंटे ऑक्सीजन के ऊपर ही रहती थी घर में आने के बाद। और उनके परिजनों ने प्रतिदिन घर में यज्ञ करना चालू किया, और यज्ञ के बाद आधा मिनट 1 मिनट जो ऑक्सीजन मास्क था उसको हटा करके, जो ये यज्ञ की शुद्ध हवा, ऑक्सीजन वाली हवा, जो भी अलग मेडिकेटेड हवा है उसको देने का प्रयास, जब उनको तकलीफ होती थी वापस लगा देते। धीरे धीरे ऐसे करते करते जो 15 से 20 दिन डॉक्टर लोगों ने बताया, 15 से 20 दिन की जगह पर 6 महीने बीत गए, और वो माता जी का 100% ऑक्सीजन मास्क से छुटकारा हो गया। और आज उस घटना को 6 साल हो गए, आज भी वो माता जी जीवित है, चल फिर खा पी और सारी क्रियाएं कर रही है। ये हार्ट के पेशेंट, एक तो होती है कॉम्युनिकेबल डिजीज, ये नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज में भी, और ऐसे कई सारे अलग अलग केस, अलग अलग पेशेंट। माने कहने का अभिप्राय है कि जिसमें अब जो जिसको हम मॉडर्न मेडिकल साइंस कहते हैं उसमें भी जो लोग ठीक नहीं हो उनको भी यदि हम यज्ञ चिकित्सा दें तो वो भी नवजीवन को प्राप्त किए। और आयुर्वेद आदि ग्रंथों से लेकर के वेदों में हम देखें तो यज्ञ चिकित्सा की बहुत अथाह महिमा बताई गई, और ये प्रैक्टिकली जिन लोगों ने अपनाया उन्होंने भी, और उसी के आधार पे जो रिसर्चे की उन रिसर्चों में भी वो फाइटोकेमिकल जो अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए जो दवाई के रूप में हम खा करके लेते हैं वही कंपोनेंट्स अवेलेबल फॉर्म में गैस रूप में हमें प्राप्त होता है, उसमें हम 24 घंटे श्वास लेते हैं जिसके कारण से हमारी ये बीमारियां ठीक हो जाती, दूर हो जाती। तो ये जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, कोई मत पंथ संप्रदाय या कोई पूजा पाठ, एक कर्मकांड, एक ये नहीं, ये एक विशुद्ध विज्ञान है। हमारी जीवन शैली को ये सरल और आसान बनाता है, हमारी जीवन शैली में आने वाले कष्ट दुख पीड़ाओं को दूर करता है, और इसी के कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने इसको देव यज्ञ कहा। क्या कहा? एक होता है भेषज, एक देव यज्ञ जो हमें प्रतिदिन करना होता है, सुबह और सायंकाल सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में विशेष कुछ आहुतियां जड़ी बूटियों की देकर के करने के लिए बताए। हम अपने ही परिवारों को देखें तो हमारे दादा दादी या पूर्व लोग गाय के गोबर के उपले आदि जला करके उसके ऊपर गुगुल है, लोभान है, या थोड़ा सा गुड़ या चावल को गुड़ से युक्त करके अंगारों के ऊपर डालते थे, गाय के घी की एक चम्मच अंगारों के ऊपर डालते उसकी धुनी करते, आप सब लोगों ने देखा होगा, जाना होगा। ये कोई सामान्य विद्या नहीं है, ये बहुत बड़ी विशिष्ट तरीका है कि सारे अशुभ की निवृत्ति रेडिएशन से लेकर के कितनी सारी चीजों से हमारा बचाव हो जाता है। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकल विषयहि, भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणा। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकल्मिषैः, सभी प्रकार के पापों से दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। अपने अज्ञान को मिटा लो, सब चीजों से बुरी चीजें अपने आप को हटा लो, तो सारी चीजों से मुक्त हो जाओगे और भगवान से युक्त हो जाओगे। यह युक्ति की मुक्ति। अपना अपना अभ्यास सब करो, हवन कुंड पर बैठ करके हवन करने के लिए मैंने बोला हुआ था, विशेष रूप से सुबह के समय एपिलेप्सी के पेशेंट, पार्किंसन एपिलेप्सी, एमएनडी और एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वाले थोड़ी देर तो आसन कर लें, फिर बाद में वो भी बैठ जाए। जिनको बहुत भयंकर अस्थमा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम्स है, वो थोड़ी थोड़ी देर हवन करके आधा आधा घंटा उठते रहें। कुछ कब्जा जमा के बैठ जाते हैं फिर उठते ही नहीं वहाँ से, एक एक घंटे बाद उठा दिया करो, दूसरे आ जाया करें फिर उनके स्थान पर।
एक छोटा छोटा दिमाग हर सेल के पास है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप करोड़ों अरबों खरबों तरह से घायल हैं, आहत हैं। तो और फिर ये यहां चारों तरफ हवन के का धूम्र देते हैं। यह हवन चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा भी मैंने पहली बार शुरू की। मैं बचपन से हवन करता था, पहले चोरी छिपे करता था क्योंकि घर वाले जो है टोकते थे, खाने को घी नहीं तो हवन में फूंक रहा है। तो हम लोग चोरी से घर से घी ले जाते और पुराने ढूंढ, पुराने मकान होते थे ना पहले गांव में, उनमें जो घड़े फूट जाते थे ठेकरे, उनका हवन कुंड बना करके और वहां से आहुति देते। और उस आहुति का ये फल है कि चोरी से घी चोरी करके, चोरी से ठेकरे में हवन करके और पुराने ढूंढ में हवन करके वो यज्ञ करने का परिणाम है कि स्वामी रामदेव के पुण्य जाग गए और सन्यासी बन गए। इसका मतलब ये नहीं कि जो हवन करेंगे सब सन्यासी बन जाएंगे। तुम अच्छे जरूर बन जाओगे, योगी निरोगी जरूर बन जाओगे। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत, यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल 9068565306।